जा रहा है ऑयल के अंदर। बहुत तगड़ा फूल रहा है तो एक हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कानपुर के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग आए हुए सैनिक चौराहे पर और यहाँ पर एक शॉप है जिसका नाम है रवि कुलचे के घायल भटूरे। तो घायल भटूरे आज हम लोग खाने आए हैं। तो चलिए पहले लोकेशन शेयर करते हैं कि शॉप कहाँ पर मिलेगी आपको, और उसके बाद चल के भैया से बात करेंगे और इनके घायल वाले भटूरे आज ट्राई करेंगे हम। तो चलिए दिखाते हैं लोकेशन आपको कि कहाँ पर आपको ये शॉप मिलेगी और उसके बाद चल के बात करते हैं। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं शॉप की लोकेशन। तो शॉप का पूरा नाम है रवि कुलचे के घायल भटूरे। तो जैसे कि घायल भटूरे नाम है तो ये चल के ही पता चलेगा शॉप पर। तो चलिए दिखाते हैं लोकेशन आपको। तो ये जो रोड आ रही है इधर से यशोदा नगर से आ रही है। तो जब यशोदा नगर से आप सतबरी के लिए जा रहे होंगे तो ये जो भैया की शॉप है ये आपको राइट हैंड पर पड़ेगी। और जब आप उधर सतबरी वाली रोड से जा रहे होंगे यशोदा नगर के लिए इधर, तो ये जो भैया की शॉप है ये आपको लेफ्ट साइड पर पड़ेगी। और फेमस लैंडमार्क ये यही है कि ये सैनिक चौराहे के नाम से जाना। तो पर चलते हैं और भैया से बात कर। सो गाइस, चलिए भैया से बात कर लेते हैं। भैया की शॉप पर आ गए। तो भैया आपका नाम क्या है? हनी। और जैसे कि आप लोगों को कब से घायल कर रहे हैं भटूरों से? अपने हो गया 14-15 साल। अच्छा, यहाँ पर 14-15 साल हो गए आपकी शॉप को। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग बस सुबह 7 बजे से दोपहर में 2 बजे तक। 2 बजे तक जी। और क्या क्या अवेलेबल है आपके यहाँ पर? कुलचे हैं आलू के और भटूरे हैं, कचौड़ियाँ हैं दाल की और राइस है, पनीर कुलचे हैं। तो आज आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे मुझे खिलाने के लिए? कुलचे आपको खिलाएंगे। कुलचे खिलाएंगे। और जैसे कि घायल वाले भटूरे हैं, भटूरे आपको खिलाएंगे। तो घायल भटूरे वाला प्राइस क्या है? 25 रुपीज़ की प्लेट है और उसमें 2 भटूरे वगैरह। सो गाइस, चलिए हम आज भैया के घायल वाले भटूरे खाएंगे और घायल लोगे चलेंगे। तो 25 रुपीज़ की प्लेट है और उसमें 2 भटूरे मिलेंगे और छोले वगैरह। तो पहले देखते हैं शॉप पर क्या क्या है, भटूरे वगैरह और छोले वगैरह और चटनी वगैरह, और उसके बाद फिर मेकिंग देखेंगे और फिर खा के टेस्ट शेयर करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं पहले शॉप पर है क्या क्या। सो गाइस, मेकिंग देखने से पहले देख लीजिए भीड़ के नज़ारे क्या है यहाँ पर। और उधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं खा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है इनकी शॉप पर। तो घायल होने वाला हाल होगा। तो अभी तो फिलहाल मेकिंग देखेंगे और उसके बाद हम भी घायल होकर चलेंगे। तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, बात करने में भी यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए दिखाते हैं आपको मेकिंग, पहले दिखाते हैं शॉप पर है क्या क्या और उसके बाद मेकिंग दिखाएंगे। तो ये रखा हुआ है अपने छोले का भगोना भरा हुआ। तो बहुत तगड़े छोले हैं। और ये रखा हुआ है राइस साइड में। और ये हो गई हरी हरी मिर्ची। और ये है बूंदी का रायता भैया का। और ये है अचार। और वो क्या रखा हुआ भैया? कचौड़ियाँ हैं। कचौड़ियाँ हैं। और इधर कचौड़ियाँ रेडी हो रही हैं और भटूरे वगैरह कुलचे वगैरह इधर। तो चलिए हम मेकिंग देखने जा रहे हैं अपने भटूरे की हम लोग, और उसके बाद प्लेटिंग वगैरह होगी, फिर टेस्ट शेयर करेंगे आपके साथ। सो गाइस, चलिए भटूरे अपने रेडी होने जा रहे हैं और ये बना रहे हैं सामने। तो भटूरा अपना रेडी हो रहा है और जा रहा है ऑयल के अंदर। बहुत तगड़ा फूल रहा है। तो एक भटूरा अपना रेडी हो गया है। तो भटूरे बनाने की स्टाइल तगड़ी है इनकी। और ये गया। सो फाइनली अपने दोनों भटूरे रेडी हो गए हैं और अब प्लेटिंग होगी। तो साइज़ देख सकते हैं आप भटूरों का, बड़ा हैवी है और कहीं से भी दबे हुए नहीं, पूरे फूले हुए हैं। तो गाइस, चलिए अपने प्लेट रेडी होने जा रही है। ये हो गए भैया के छोले और ये आ गया बूंदी का रायता, बहुत ही गाढ़ा रायता दिख रहा है। और ये हो गया प्याज, ये हो गई हरी हरी मिर्ची
और ये आ गया मिक्स वाला अचार। और ये क्या है भैया? तो सूखी सब्जी शायद भटूरे के साथ कहीं नहीं मिलती है, मुझे नहीं लगता है। आलू की सूखी सब्जी मिली हुई है और छोले मिले हुए हैं और रायता, प्याज और मिला हुआ अचार। तो चलिए भटूरे आ रहे हैं अपनी प्लेट पर। बहुत ही तगड़ा भटूरा आया है, कुछ कहने का हाल देख सकते हैं आप कितना बड़ा साइज है। तो चलिए खाते हैं और फिर टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। सो गाइस फाइनली रेडी होके आ चुके अपने भटूरे, और भटूरे का साइज़ काफ़ी बड़ा है और भटूरा बिल्कुल भी पिचका हुआ नहीं है, पूरा फुल्ली फूल के आया है और साइज़ काफ़ी बड़ा दिखाता हूँ। ये है अपने भटूरे का साइज़। तो खाने से पहले तो हमें इसको पिचकाना ही पड़ेगा, तो इसकी पूरी हवा निकाल दी है। और घायल जैसा कि नाम है तो देखने में ही घायल हो गए, तो खाने के बाद तो घायल होना ही होना है। तो चलिए पहली बाइट लेते हैं भटूरे की और टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। सो जैसे ही पहली बाइट का ही है, तो जो छोले का साइज है वो भी काफ़ी बड़ा बड़ा है, छोटे वाले छोले नहीं है। और जो ग्रेवी वगैरह छोले की है वो बहुत ही टेस्टी बनाई गई है। और आलू की सब्जी फ़िलहाल नहीं मिलती कहीं भटूरे के साथ जल्दी, और भैया देते हैं आलू की सब्जी और उसमें ऊपर से धनिया वगैरह पड़ी हुई है, तो वो भी खाते हैं एक बाइट। तो जो सब्जी है वो बॉयल वाली आलू की है, और जैसा कि कई जगहों पर जो आलू का छिलका होता है वो नहीं हटा जाता तो सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता, तो आलू पूरी छिली हुई तो उसकी वजह से टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और रायता जो भैया का है वो मैंने पहले ही आपसे बोला था कि काफ़ी गाढ़ा है, तो चलिए वो भी ट्राई करते हैं। क्वालिटी बेस्ट है रायते की भी, पानी वाला रायता नहीं है ये। और एक दो बाइट खाते हैं फिर फाइनली टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। और मिर्ची ट्राई करते हैं। मिर्ची तीखी है, सो गाइस फाइनली अपना आधा भटूरा ख़त्म कर लिया है। और जैसा कि नाम है शॉप का घायल भटूरे, तो उसी हिसाब से टेस्ट भी है इनका। छोले वगैरह का जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा है, और रायता की जो क्वालिटी वो भी बहुत बेस्ट लगी मुझे। और आलू की सब्जी फ़िलहाल ही भटूरे के साथ कहीं मिलती है, छोले भटूरे के साथ नहीं मिलती, ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है चीज़ें, लेकिन यहाँ भैया क्या मिलती है। और जो सब्जी है वो आलू की सब्जी खाने का मज़ा तभी आता है जब उसका छिलका हटा होता है, कहीं कहीं पर ऐसे ही मिल जाती तो वो टेस्ट नहीं आता है। और बॉयल वाली आलू है और धनिया वगैरह मिक्स है, तो और जो साथ में मिर्ची दी गई वो काफ़ी तीखी है। तीखा खाना पसंद हो तो इसको खाइएगा, नहीं ना खाइएगा। तो फाइनली हमने भैया के भटूरे खा लिए हैं और छोले का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। आपको ये शॉप यहाँ सैनिक चौराहे ले चौराहे पर मिलेगी, सबसे फेमस लैंडमार्क है यहाँ का, और आप किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको शॉप तो बाद में पता चलेगी, लेकिन सैनिक चौराहे के नाम से एक जगह फेमस है, वहाँ पर आइएगा और घायल वाले भटूरे खाइएगा, क्योंकि मैं तो घायल हो चुका हूँ खाकर, और टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा लगा। और 25 रुपीज़ प्राइस है अगर आप सुबह सुबह भूखे हो। और सामने यहाँ पर अजय मंगोड़ा वाली शॉप है जहाँ का ब्लॉग हमने पहले बनाया हुआ है, और अगर उसका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छे मंगोड़ा वगैरह मिलते हैं। और जस्ट अपोजिट दोनों शॉप आपको मिलेंगी। तो चलिए फाइनली अपना भटूरा ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि टेस्ट बहुत ही अच्छा है इनका। तो गाइस चलिए, जब घायल भटूरे खा लिए तो रिव्यू लेना कैसे भूल सकते हैं, तो यहाँ पर लोग खा रहे हैं उनसे भी पूछ लेते हैं क्या क्या हाल है यहाँ के। और रायता वगैरह का जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा लगा, और जो भटूरे थे वो भी काफ़ी टेस्टी, और जो छोले हैं उसमें सोयाबीन भी मिक्स थी तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था, और छोले के दाने वगैरह भी बहुत अच्छे थे, और जो ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छी लगी। तो चलिए रिव्यू भी ले लेते हैं। तो भैया आप क्या खा रहे हैं? पूड़ी खा रहे हैं। नाम क्या आपका? गोविंद। गोविंद नाम है। कभी कभी या रोज? नहीं, हमेशा खाते हैं। हमेशा आते हैं। क्या टेस्ट लगता है आपको यहाँ? अरे एक नंबर टेस्ट है यहाँ। कचौड़ियाँ खा रहे हैं आप? हाँ, कचौड़ी खा रहे हैं। भटूरे ट्राई करे? नहीं, सब चीज़ खा चुके हैं। सब चीज़? सब हर चीज़। अच्छा, जैसे कि रायता कई जगह पानी वाला मिलता है, तो इनके रायते के बारे में क्या कहना चाहिए? रायता बहुत अच्छा है यहाँ। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आपको रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बूंदी और पड़ी इसमें, बूंदी भी पड़ी वाली। तो आप कहना चाहेंगे लोगों से कि यहाँ आए वो लोग? हाँ, रोज आए। रोज आए? हाँ, रोज आएंगे तो फिर घायल हो जाएंगे। घायल हो ही जाएंगे। तो चलिए आपको रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो भैया आपने क्या ट्राई किया हुआ है? भैया यहाँ का स्वाद बहुत बेस्ट चीज़ है, हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए,
इसमें अदरवाइज ये भी है ना, जो सब्जी पूरी जो भी इनके, एक तो इनका मेन सब्जी का सिस्टम है, सब्जी इनकी सबसे बेस्ट होती है और रहता है, बाकी तो अदरवाइज कोई भी ले लो सबको अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आपने हर एक चीज़ ट्राई करी। हाँ, और जैसे कि आलू की सब्जी सूखी मिलती है। हाँ? तो बहुत ही जगह, मतलब मैंने तो नहीं देखी कि फिलहाल कहीं छोले भटूरे साथ मिलती हो। नहीं, हमारे यहाँ देखो भैया सारी सलाह हमेशा मिलती। अरे आपके यहाँ तो, ये तो आप यहीं रहते ही होंगे तो आप आते ही। अरे यहाँ अच्छा लगता है खाना खाने में, बाकी हम लोग कहीं भी नहीं जाते, इनकी दुकान में भैया के आते हैं सुबह सुबह। हाँ, सुबह हो चाहे दोपहर हो, हम लोग आते हैं। कोयला नगर से आ रहे हैं भाई साहब। अच्छा, चलिए तो आप लोग को रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो गाइज, ये भी भैया कुछ ट्राई कर चुके हैं। तो भैया आपने क्या खाया आज? भैया हम तो पूरी खाए, कचौड़ी। कचौड़ियाँ खाई। नाम क्या का? हमारा नाम गोलू है, शुक्लागंज का रहने वाला हूँ। शुक्लागंज से आए खाने? जी, शुक्लागंज से। मैं परमानेंट आ सकते हैं आपकी, जो शुक्लागंज से खाने आया हो और यशोदा नगर से, मतलब गंगा जी के उस पार से आया हो और गंगा जी के इस पार खाने आ रहा है और काफी दूर तक आ रहा है, तो कुछ तो मिला है यहाँ पर जो भैया आए खाने के लिए। तो आप क्या क्या ट्राई कर चुके भैया का? यहाँ पे हम छोला भटूरा भी खा चुके हैं, राइस भी खा चुके हैं और पूड़ी भी खाते हैं। काफी अच्छा टेस्ट है, इनके जैसी सब्जी जो यहाँ पे ये देते हैं छोला, इनसे अच्छा और कहीं नहीं मिलता। पैसा भी कम है और चीज भी अच्छी है। पैसा वसूल करके आए? जी जी, हाँ बिल्कुल। तो शुक्लागंज से आप, मतलब इतना पेट्रोल लगा के आते हैं और यहाँ से पैसा वसूल करके जाते हैं? कोई मतलब नहीं, टेस्ट अच्छा होता है तो पैसा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पैसा जा रहा है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन टेस्ट अच्छा मिल रहा है तो इसलिए परमानेंट मैं आता हूँ यहाँ पे। और बाकी क्वालिटी वगैरह, क्वांटिटी वगैरह काफी अच्छी है? बहुत अच्छी है यहाँ की क्वालिटी और अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगी। तो आपको रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ बोल लीजिए, पूरी बोलिए। ठीक है, अरे बोल दीजिए, बोल दीजिए। जो कि यहाँ पे मिल जाता है, अदरवाइज पैसा भी लगाओ उसके बाद भी नहीं मिलता है। ठीक है, पैसा भी ज़्यादा देते हैं और चीज़ भी अच्छी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो चीज़, जो क्वालिटी दे रहे हैं भैया लोग, और बहुत ही अच्छी दे रहे हैं और बहुत परफेक्ट चीज़ दे रहे हैं, कम पैसे में दे रहे हैं और अच्छा दे रहे हैं। तो आपको रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो गाइज, फाइनली हम लोगों ने खा लिए भैया के भटूरे और घायल तो हो ही गए फिलहाल। और जैसे कि रिव्यू लिए हैं तो तारीफ़ें सुन ली आपने। जो गंगा जी के उस पार से गंगा जी के इस पार खाने आ रहा हो, उन्नाव साइड से कानपुर के लिए, तो कुछ तो स्पेशल मिल रहा होगा और टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। और समझ सकते हैं जो रायते की तारीफ़ें हैं वो भी काफ़ी अच्छी, क्योंकि जो दही वगैरह है वो गाढ़ा है, पानी वाला नहीं है। तो चलिए फाइनली भटूरे भी खा लिए, आप भी आइएगा ट्राई करने। तो ठीक है, इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया आता तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और एक बार यहाँ आकर छोले भटूरे खाकर और घर जाइएगा तो घायल होकर जाइएगा और अपनी फैमिली को बताइएगा और उन लोग को भी लेके आइएगा, यहाँ खिलाइएगा। तो ठीक है, अपना वीडियो यहीं से एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट व्लॉग में।